इतनी जल्दी मेमोरिस को मार दिया इसने गाइस। बुला रहा है मेरे को, क्या कर रहा है, कब कर रहा है और क्यों कर रहा है वो ऐसा। वॉर सेक्ट भी चला गया। पांच पांच विदर को एक साथ किल करता हूं मैं माइनक्राफ्ट में। शायद देखा नहीं इसने मेरे को, लग रहा है गाइस। ओह शिट। वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं पाल वर्ल्ड में। आज मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो शायद आप नहीं चाहोगे कि मैं अभी करूं। वो ये है कि आज हम लोग एनुबिस को किल करने जा रहे हैं। किल ही नहीं, हम लोग उसको कैप्चर भी करेंगे, बट उसके लिए हमको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चांस ना बहुत कम है यार, बहुत कम चांस है कि हम लोग उसको किल कर पाए या कैप्चर कर पाए। मतलब कैप्चर के तो बहुत ही ना के समान है, किल कर पाए वो बहुत बड़ी बात होगी। बट ट्राई तो करेंगे कि हम लोग उसको किल करके मतलब किल करने से ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करें। बट उससे पहले हमको एटलीस्ट, देखो अभी तक हम लोग हाइपर स्पेयर से काम चला ले रहे थे, बट आज मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ना अल्ट्रा स्पेयर हम लोग बना सकते हैं ना, तो अल्ट्रा स्पेयर के लिए हमको एक यहाँ पर ये वाली असेंबली लाइन चाहिए। इसके लिए मुझे चाहिए सर्किट बोर्ड और रिफाइंड इनगेट। अब सर्किट बोर्ड के लिए हमको क्या चाहिए होगा ये मुझे नहीं पता, बट रिफाइंड इनगेट के लिए ना गाइस हमको चाहिए कोल। बिना तैयारी के जाएंगे तो फिर तो मतलब बहुत ही बेकार सीन हो जाएगा, क्योंकि बिना तैयारी के कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार हम लोगों ने ट्राई किया था थोड़ा सा, वो बहुत फास्ट है और बहुत अलग अलग पावर्स उसके साथ है। तो अभी हम लोग हैं लेवल 36 और 36 में हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें आ गई है। तो सबसे पहले सर्किट बोर्ड मैंने कर तो रखा है, प्योर क्वार्ट चीज़ को बनाने के लिए और पॉलीमर चाहिए। मेरे को देखना पड़ेगा यार, मैं पहले सो रहा हूँ, कल देखता हूँ। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें हमको बनानी हो, जैसे वेपन वाला एक है, हो सकता है कि उसको बनाने की जरूरत पड़े हमको। मैंने तो देखा ही नहीं था कि ये सब सारी चीज़ें भी है। तो क्वार्ट्ज और कोल ढूंढने के लिए हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले ना ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को पता तो चले कि हम लोग बनाएंगे कैसे इसको। यहाँ ये सब चीज़ें बनाने का तो नहीं आता कि हमारे पास नया वाला स्टोरेज बॉक्स भी आ रखा है ये वाला। इसके लिए क्लॉथ चाहिए हमको, बट ये पॉलीमर वॉलीमर का क्या चक्कर है गाइस? पॉलीमर किधर से बनाना पड़ेगा? इसमें बनेगा क्या? इसमें तो नहीं बनेगा। तो स्पेयर असेंबली लाइन है यार, नहीं 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 इसमें तो नहीं बनेगा गाइस। प्रोडक्शन असेंबली, ये कौन सी असेंबली लाइन है? प्रोडक्शन वाली अलग है क्या कुछ? हम लोगों ने ना गाइस देखो ये बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने स्पेयर असेंबली लाइन बना रखी, प्रोडक्शन असेंबली लाइन नहीं बना रखी। इसके लिए हमको चाहिए इनगेट 100। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ना निकालो, मैं 100 निकालने पड़ेंगे मेरे को फटाफट से। एक काम करता हूँ, 100 क्यों कर रहा हूँ मैं, हाफ करता हूँ इसका और इसका भी हाफ करता हूँ। तो अभी हमारे पास 98 आ गए और हाँ हो जाएगा आराम से। अभी जाके हम लोग इसको डाल देते हैं मैक्स। अब मेरे को देखना है कि जॉर्मेंटाइट किधर पे है, वो यहाँ पे आके काम करेगा। मेरा इन्वेंट्री ऑलरेडी बहुत भर चुकी है, मेरे को इधर डालना सामान बाकी बचा हुआ। चलो चलो यार, जॉर्मेंटाइट किधर है? इधर आ, तो जल्दी इधर आ, तेरे को काम करना है बहुत सारा। और मैंने ना गाइस देखो सोचा तो ये था अभी आज हम लोग शायद इस चीज़ को ना करें, बट यहाँ पे ना अभी जगह की कमी हो रही है। तो मैं एक ऐसी लोकेशन ढूंढी है मैंने जो कि बहुत प्लेन है, वहाँ पर हम लोग ना बेसिकली अपना ये वाला सारा काम करेंगे, जहाँ पर माइनिंग होगा, हर टाइप की माइनिंग, लॉगिंग और ये सारे सामान काम वहाँ पर होगा। अभी ये शायद कर रहा है ना, कर रहा है। अबे यार ये क्या दिक्कत है, इसको यहाँ क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर मत आ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है यार, तुझे वो बनाने इनगेट्स बनाने वहाँ पर। जल्दी जल्दी इनगेट्स बना ले, मेरे को ये बनाना है। ये इसको असाइन कैसे करूँ मैं? ये असाइन हो जा यार, इसके साथ दिक्कत ही है गाइस। इसको पूरा प्लेन एरिया चाहिए, देखो फिर ये करेगा नहीं, इतना ज़िद्दी है ना यार। अभी मेरे को कोई और पाल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करने में लगा पड़ा है तू? अबे कुछ और ही काम कर रहा है यार गाइस, रुक जाओ। मैं जल्दी से ना इसको चेंज करता हूँ बाई एलिमेंट, मैं कोई और देखता हूँ फायर टाइप जो छोटा हो। ये मेरे को हर बार इरिटेट करता है यार। लेवल 3 का है ना फ्लैरिस, फ्लैरिस इधर, फ्लैरिस नहीं है फेलरिस है यार, मैं नाम ही गलत पढ़ रहा हूँ इसका। तो गाइस मैं ना ट्राई कर रहा हूँ, देखो अभी मैं दोबारा से ना एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बनाया था ना एक बहुत ही फास्ट वाला पाल जो कि ग्राउंड मूवमेंट के लिए है, वैसे ही मैं एक अटैक वाला बनाऊंगा और वैसे ही मैं हर एक टाइप के लिए, एटलीस्ट मैं अभी फ्लाइंग के लिए भी बनाऊंगा ताकि हम लोग ज़्यादा दूर जा सके। बट मुझे लग रहा है कि फ्लाइंग वाला पाल बनाने के लिए ना इतना ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो पाल्स हैं वो बहुत खतरनाक है। आज मैं इनको ट्राई करने वाला हूँ, ये पायरिन को ट्राई करने वाला हूँ। ये तो अपने पास है फेंगलोप, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने और बहुत सारे एग को इंक्यूबेट किया था, उसके बाद से पता है कौन कौन से निकले मैं एक बार फेंगलोप। देखो ये हमारा बॉस था, इसके पास कोई पैसिविक स्किल नहीं है। रनर स्विफ्ट इसके पास भी, हमारे पास रनर स्विफ्ट वाले 2-3 हो चुके हैं, रनर और स्विफ्ट इसके पास भी है। तो मैंने ना बहुत पाल को वो करा था, और अभी जाके एक और होती है मूवमेंट स्पीड जो कि शायद मेरे को लगता है कि निम्बल करके कुछ होती है, उससे 10% इंक्रीज होती है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मिल जाता तो अच्छा था। अबे तू क्या कर रहा है? अबे ये अलग काम करने में कहाँ लग रहे हैं यार, रुक जाओ। मैं इधर भी डाल रहा हूँ थोड़े से, मैं चाहता हूँ कि इधर भी थोड़ा सा करे, मतलब किसी में से तो करे काम। ये क्यों नहीं कर रहा काम? कर रहा है, चलो कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर लगेगी उसके बाद से काम हो जाएगा। बट लास्ट वाले एपिसोड में गाइस हम लोग बहुत ही डेंजरस जगह पर गए थे, जहाँ पर हमको बहुत बड़े बड़े एग मिले थे, लार्ज डार्क एग। अब इसमें से कौन सा डार्क वाला पाल निकलेगा वो मुझे देखना है। नॉक्स नॉक्स निकल रहा है, बताओ इसमें से लार्ज वर्डेंट एग इसमें से क्या निकलने वाला है। रॉबिन क्विल यार, एक पैसिव स्किल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अबे यार रॉबिन क्विल चाहिए तो अपने को, लेकिन एक और लार्ज वर्डेंट एग है,
वैनगार्ड, रॉबिन पुल में वैनगार्ड मिला। वैनगार्ड भी ठीक है, बट देखो हमको अटैक के लिए पता क्या चाहिए होता है, हमको या तो फेरेसियस करके एक होता है और एक दूसरा है मसल हेड, वो मेरे पास नहीं है। मैंने अभी पूरे अपने पाल चेक किए, मेरे पास ना फाइटिंग के लिए जो भी पाल्स है उनमें ऐसे खतरनाक वाली है नहीं, ये तो चाहिए भी नहीं था। डैम पैक है हमारे पास एक, इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या मिला अपने को। ब्रेव मिला है सैलरी, तो ठीक है। अपने पास अभी और कुछ एग है, मैं इनको थोड़ा डाल दूँ इनक्यूबेट करने के लिए, ताकि जब आए हम लोग काम से फ्री होके तो अपने पास यहाँ पर एग हुए रहे हैं ना, हम लोग फट से इनको इनक्यूबेट कर लें। ये भी बहुत काम की चीज़ है गाइस, एन एक्सेसरी दैट स्लाइटली रेजेज हेल्थ, तो ये मेरी बहुत काम आ रही। कितना रेज कर रही ये नहीं दिखा रहा, बट यार काम की तो है। अलग ही दुनिया में देख रहा है यार, वहाँ पर काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ पालना मतलब बेस में काम करने लायक है नहीं। अब ये असेंबली लाइन बनाऊँ कहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ कि असेंबली लाइन ना गाइस मैं बना दूँ यहाँ कहीं पर। चलो यार मैंने एनुविस किधर डाल रखा है, एनुविस है कहीं पर काम करने के लिए? एनुविस किधर है यार, एनुविस ये है, एनुविस की किसकी जगह डाला जाए? यही इनकी जगह डालता हूँ, ये ब्रीड तो कर नहीं रहे वैसे भी, तो यहाँ पर आके एनुविस अपना काम करेगा। ये बहुत फास्ट है हर एक चीज़ में यार, तो इसीलिए थोड़ा ना लग तो रहा है कि मुश्किल हो सकता है। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई है। गीगा शील्ड मेरे पास है, एक सेकंड, मैंने कौन सी शील्ड है मेरे पास, मेगा शील्ड है, मैं गीगा शील्ड बना रहा हूँ अपने लिए पहले एक, बट उससे भी पहले सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड के लिए ओके अब जाके हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पॉलीमर भी बना सकते हैं, हाई क्वालिटी ऑयल आज काम आने वाला है। सबसे पहले ना अपने लिए गीगा शील्ड बना रहा हूँ, 15 एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट लग रहे हैं इसमें, बट कोई बात नहीं आज ये काम आने वाला है। एनुविस किधर है, एनुविस कहाँ चला गया? एक सेकंड, हम लोग शील्ड बना रहे हैं ना, चीनी के थैले क्यों दिख रहे हैं मेरे को? आ गया। हाँ तो गाइज अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ काम नहीं चल रहा, यहाँ पर इतना सारा इन्होंने वुड इकट्ठा कर रखा है यार, मैं चलो कर ही लेता हूँ। यहाँ पे ये पेड़ काट काट कर ना इतना वुड इकट्ठा कर देता है कि मेरा दिमाग हो जाता है खराब। ये देखो अभी बहुत सारे एग हैं अपने पास, अभी मेरे को बहुत सारे एग और निकालने हैं। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, बेलनियर स्लैब फ्रेगमेंट, ओ ये समन करने का काम आता है उसको, स्लैब फ्रेगमेंट चार चाहिए होता शायद हम लोग उसको, बेलनियर जो बॉस है उसको समन कर सकते हैं। फिलहाल कोई यहाँ पर कंप्लीट हुआ, कोई हुआ, हाँ डैम पैक हुआ है। एक बार डैम पैक को देखे क्या मिला, सैलरी मिल रहा है अपने को यार, और भी आगे उनको भी लगा के जाता हूँ फट से। देखो हमारे पास ना गाइस यहाँ पर 36 लेवल में क्या क्या चीजें आ चुकी है। गीगा शील्ड कर लिया, हैंडगन एक तो मैं अनलॉक कर लेता हूँ, ये खरीदने का अभी मुझे दिखा नहीं कहीं पर भी, ठीक है। हैंडगन एमओ भी हम लोग अब यार खुद बनाना पड़ेगा, हैंडगन एमओ हम लोग बाई कर सकते हैं, बट हैंडगन ये भी काम आ सकता है वैसे अपने गाइस। शॉक ग्रेनेड तो उतना काम नहीं आएगा, विच कॉल्ड्रॉन अभी काम का नहीं है, पॉलीमर कर लिया मैंने। और यहाँ पर ना एक और सिंगल शॉट राइफल, इसका बड़ा खतरनाक है। अभी फिलहाल हम लोग गाइस चल रहे हैं सीधा, हमको किधर पे जाना था, हाँ तो मैंने जो देखा हुआ है ना यहाँ कहीं पे मैंने मार्क करा था, पायरिन की जगह वैनमम को लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी हम लोग अब जाने वाले हैं, एनुबिस इधर रहता है, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं फास्ट ट्रेवल पॉइंट, और उसके बाद यार मतलब इतना फास्ट है ना अभी हमारे पास जो पाल है सबसे बेस्ट है अभी के हिसाब से। ओके हमको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, हमको इसी डायरेक्शन में बढ़ना है। स्पीड देखो आप इसकी 50% स्पीड हम लोगों ने इसकी बढ़ा दी है, तो फाइट करने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किसी को कैप्चर कर रखा है, कोई दिख तो रहा है छोटू सा। अब मुझे ना बेस्ट पैसिव स्टैट्स वाले पाल चाहिए गाइस यार, और कुछ नहीं। लॉगिंग फोरमैन मिला तो लॉगिंग के लिए अच्छा है, बट यार अभी किस डायरेक्शन में है गाइस वो, किस डायरेक्शन में, नहीं 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 गलत जा रहे हैं हम लोग, उस साइड को हमको जाना है, एनिमिस को देखते हुए जाएंगे क्या कर रहा है, मुंह धो लिया चाय पानी पी ली, उसके बाद हम लोग उसको बोलेंगे कि हम लोग आएंगे मारने के लिए, या तो मारने के लिए आएंगे खुद मर के जाएंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ तक काम तो करके जाएंगे। लकी है क्या, नहीं मुझे लगा यार ये सिंडिकेट था, नहीं मानेंगे ये ना, हर बार परेशान करते हैं पता नहीं क्यों। एक इधर भी दिख रहा है मेरे को कुछ, कोई होगा यहाँ पर, छोड़ो यार यहाँ पर नॉर्मल से पाल मिलते हैं, इनको इग्नोर कर रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे है हमारा एनुबिस, और इनको कैप्चर कर लूँ क्या, थोड़ा हमारा लेवल अप हो जाएगा ना, मैंने ऑलरेडी शायद मेरे को लग रहा है 10 तो कैप्चर कर लिए। ओ यहाँ पर कोई ब्लास्ट होने वाला है, अबे ये गया, नहीं नहीं ये मेरे को मारेगा, सिंडिकेट क्रशर मारने वाला अभी हम लोग यहाँ से, तो चल ही रहे गाइस। तो बेसिकली हमको किस साइड को जाना है, हमको इस डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ पर कहीं पर हमको मिलेगा टोको टोको, एक कैप्चर कर रहा हूँ मैं, एक ही टोको टोको कैप्चर कर रहा हूँ, अपना काम हो जाएगा। शायद मैंने 9 कैप्चर कर रखा है जहाँ तक मेरे को याद है, हो तो जाना चाहिए कैप्चर वैसे गाइस। ओके नहीं अभी कम है, अभी कम है, 10 कैप्चर करता हूँ फटाफट से। ओके तो 2 और मुझे टोको टोको कैप्चर करने हैं, एक ये आएगा और उसके बाद उसके आगे वाला सेंटर वाला, ठीक है इनको फटाफट से कैप्चर करता हूँ ताकि थोड़ा बोनस बढ़े अपना लेवल अप। वैसे लेवल 35 तो आज होने से रहा, बहुत टाइम लग रहा है अब लेवल अप होने में, तो कोई बात नहीं जितना भी होगा एटलीस्ट लेवल अप का फायदा ना बहुत है यार, मतलब मेरी स्किल्स, मसल हेड हमको मिला, अच्छा मसल हेड तो यार इसमें कोई इतना काम का नहीं, देखना पड़ेगा कि इसको हम लोग किसके साथ ब्रीड करा सकते हैं कि हमको कोई खतरनाक वाला पाल मिले। आ जाओ
खुद मरेगा तू। देख रहा हूँ किसके साथ बैठा हुआ, बेस्ट वाला अपना अभी तक का स्पीड मूवमेंट में। एक और कैप्चर करना है लास्ट, फटने वाला था इससे पहले मैंने इसको कैप्चर कर लिया शायद। आ जाएगा, मुझे लग रहा है आ जाएगा। कहाँ चला गया? आ गया ना। हाँ तो बोनस अपने को मिल चुका है यहाँ पे। ओ काफी अच्छा बोनस मिला यार, काफी ज्यादा लेवल अप हो गया हमारा। मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ यहाँ से झाड़ियों के बीच से। ओके 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 ओके, तो बेसिकली हमको जाना इस साइड में। ये अच्छा ये वही है, मुझे लगा कि ये कोई नया पाल है। तो यहाँ पे एक ना ये भी है यार, ऐसे दिख जाता ना देख के इनको पता चल जाता कि इनकी ये पैसिव स्किल है, तो बड़ा मजा। लकी टोको टोको, नहीं 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 नहीं। ओके तो हम लोग इसको कैप्चर करने वाले हैं, पक्का कैप्चर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कैप्चर करने की लकी टोको टोको। तो लकी का फायदा पता क्या है गाइस, पहले मेरे को उतना पता नहीं था, बस मेरे को ये था कि यार थोड़े जायंट होते हैं दिखने के, अच्छे दिखते। इनके पास हर एक लेवल का मतलब वो होता है, इनके पास माइनिंग की स्पीड बढ़ा देंगे, आपके पास अगर किसी से भी ब्रीड कराओगे और लॉगिंग फाइटिंग सब स्किल मूवमेंट स्पीड सब होता है हल्का हल्का, इसीलिए ये 15% शायद सब कुछ होता है, इसलिए लकी कहलाते हैं। अब यार ये मिलेगा कैसे मेरे को, पानी से तो बाहर ही नहीं आ रहा यहाँ पे। ओ फैंगलोप गया काम से गाइस, फैंगलोप गया काम से। मैं इसको एक काम करता हूँ, गीगा स्पेयर से कैप्चर कर लेता हूँ। मैं चाहता नहीं कि मर जाए यार, लकी बहुत कम बार अपने को मिलते हैं गाइस, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता ये सब, है ना। चलिए आ जाओ। अब यार इन लोगों ने मतलब मार दिया उसको यार, अपना फैंगलोप क्योंकि पावरफुल नहीं है ना वो, स्पीड में है मतलब पावरफुल नहीं है। वैसे तो मेरे को ना कुछ लिफ मंक एफिजीज भी कलेक्ट करने, तो रात का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है, कलेक्ट करता हूँ थोड़े बहुत ये, उसके बाद हम लोग बेस में जाएंगे, कल सुबह वापस आएंगे, तब जाके हम लोग उस नई जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर हमको ओर वगैरह मिलने वाले हैं क्वार्ट्ज और कोल के। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने घर में और मैं सो के उठ भी चुका हूँ। तो अभी हमारे पास फायदा ये है कि हमारे पास दो दो फैंगलोप हैं और दोनों में स्विफ्ट और रनर है, तो हम लोग इस हैं, ये सही हो गया। ओके जब मैं सोता हूँ और मेरे साथ जो पाल सोता है ना, तो वो भी रेस्ट कर लेता, तो उसकी हेल्थ भी रिकवर हो जाती है। तो मुझे क्या करना था, मैंने ना कुछ लिफ मंक एफिजीज कलेक्ट करे, शायद 23 चाहिए थे, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कराई, आज हम लोग करने वाले अपना, एक सेकंड अपना ही कर रहा हूँ मैं, कैप्चर पावर भी मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं ना हर कोशिश करने वालों जो पॉसिबल है उसको वहाँ से पकड़ने के लिए। हमारे एग हो चुके हैं, आई थिंक एग हो चुके हैं, एक बार एग वैग देख लेते कि क्या निकल रहा है यहाँ से। हमको मिला लीज पंक इग्निस, ओके ये शायद अभी तक नया था, नया पाल है। हाँ इसमें भी वही, नहीं इसमें कुछ और मिला था क्या, एक ही क्यों दिखा रहा है लेकिन, नहीं नहीं ये कुछ और मिला, कैल्पसा इग्निस ये भी नया पाल मिला हमको। ओके ठीक है, छोटे मोटे पाल वैसे मिल जाए तो अच्छा ही है, पकड़ के भी सही है, पकड़ने में मिल जाए, लेकिन पकड़ डाजी मिला और कोई हुआ है, एक ये हुआ है, एक बार इसमें देख लेते कि इसमें क्या मिला। डाजी स्विफ्ट वाली डाजी मिली, अरे वाह ये तो बहुत सही है। चलो अभी हम लगाते हैं जो बाकी एग है उनको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे दो, एक ये मेरे को अभी मिला था और उसके बाद एक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो फेदर वेदर मिलता है इसका क्या काम है, मेरे को लग रहा है कि शायद हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा खतरनाक कुछ काम होने वाला है। चले गए अभी हम लोग चल रहे हैं वापस वहीं पे, ये मैंने अनलॉक कर लिया तो अभी यहाँ से जाने में थोड़ा इजी होगा अपने को। तो बेसिकली हमको यहाँ से ना इधर की साइड को ही जाना है, हमको यहाँ पे ना और दिख जाएंगे आई थिंक। ये क्वार्ट्ज ओर है, पहला क्वार्ट्ज ओर हमको मिल चुका है, अब मैं यहाँ पे इसको थ्रो करने वाला हूँ और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये माइन कर लेगा। ऑलमोस्ट इसने खत्म इसको कर दिया है, मैं देख रहा हूँ। ओ वेट का चक्कर भी हो सकता है, चलो ठीक है इतना काफी है। अब मुझे ढूंढना है कोल, तो कोल ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हम लोग फ्लाई करते हुए जाते हैं ताकि ऊपर से दिख जाए। इस जगह पर चांस तो लग रहे हैं गाइस कि कोल मिल सकता है, बट कैसा होगा कोल यार, मैंने कोल अभी तक देखा नहीं है। ये अपने को ना ये मिला माउक्रिस्ट, अब माउक्रिस्ट के लिए वही सबसे बेस्ट है अपना इनको मारने के लिए, तो हम लोग बुलाते हैं किसी को दूर, ठीक है हम लोग एक को बुलाते हैं। ये तो भाग रहे हैं गाइस, भाग रहे हैं, आया आ जा इधर आ जा। माउक्रिस्ट उतना पावरफुल तो नहीं होगा बट हम यूज़ में लेके आ सकते हैं इसको, किसी को ब्रीड कराने के एटलीस्ट। अभी तू अच्छा मैं वही सोचूं कि क्यों नहीं फाइट कर रहा है यार, ये आइस से ना गंदा डैमेज मिलता है बहुत, पानी से मतलब उतना डैमेज मिलता है लेकिन इससे बहुत गंदा डैमेज मिलता है। इतने कम हेल्थ में हो जाएगा कैप्चर, हो तो जाना चाहिए वैसे, मेरे पास रिंग ऑफ मर्सी नहीं है, ध्यान देना होगा। उसने शायद मार दिया सबको मुझे ऐसा लग रहा है, बस मार दिया उसको, तो मार ही दिया इसने। अब हेलो मैं मरने वाला हूँ गाइस, मैं मरने वाला हूँ, इसको निकालो। ओ शिट ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है जबकि इतना छोटू सा है,
क्योंकि लेवल अप है ना। ओके गाइस, मेरे को अभी अब मैं हाइपर स्पेयर लास्ट, इतने स्पेयर बर्बाद करके फायदा नहीं, इतने में तो एक हाइपर स्पेयर बन जाएगा यार। मेरी हेल्थ देखो गाइस, मेरी हेल्थ देखो, निकल लो यहाँ से। अब माउंट क्रिस्ट भी अपने पास आ चुका है, हम लोग इसको बॉर्न भी करा सकते थे, बट यार मुझे कोल नहीं दिख रहा गाइस अभी। इंटरनेट पर फोटो देखनी पड़ेगी मेरे को कोल की। गाइस मेरे को कोल तो नहीं मिला, बट यहाँ पे ना कोई लकी पाल आ रखा है। अब कौन है ये मुझे देखना होगा, जाके देख लेता हूँ कि ओके तो टेंजी है यहाँ पर लकी। टेंजी को कैप्चर करते हैं। ओह शिट, ये क्या मार रहा, खतरनाक सी बॉल लेकिन शायद टेंजी कैप्चर नहीं हो पा रहा। ओह शिट, कौन सा डालूं? हो गया। ओके तो लकी है और फेरोसियस है, मतलब ये डेंजरस हो सकता है अगर हम लोग इसको किसी के साथ ब्रीड कराते, बट अभी तो नहीं करा रहे, अभी कोई ऐसा है नहीं हमारे पास। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं वापस, सो जाते हैं, कल वापस आना पड़ेगा। मुझे वहाँ पर कोल नहीं मिला, मुझे कोई और लोकेशन देखनी पड़ेगी, तब जाके मैं कोल ओल ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि कोल का मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोल होगा कहाँ पे। मैंने लोकेशन देखी, एक और लोकेशन है गाइस, तो वो लोकेशन पता है कहाँ पे है? वो है यहाँ कहीं पे। हम लोग गलत जगह पर ढूंढ रहे थे, वहाँ पे शायद कोल नहीं था, वहाँ पर क्वार्ट ज़्यादा था। यहाँ पर लोकेशन पर हमको कोल भी मिलेगा, और कोल ज़्यादा तो नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ही चाहिए हमको। तो बेसिकली हमको जाना है एनुबिस वाली जगह में, तो हम लोग लेके चलते हैं इसी को और फट से हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये कोल होगा, पक्की बात है ये कोल होगा। अगर ये कोल नहीं है ना, तो फिर तो मेरा होने वाला दिमाग ख़राब। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये भी स्टोन ही हो। नहीं नहीं, कोल है, कोल है, कोल है, कोल है, कोल है ये गाइस। फाइनली अपने को कोल मिला यहाँ पे। हाँ तो इसको पूरा पत्थर माइन करने देता हूँ, मेरे को बस ध्यान रखना है कि वो फाइट करने ना आए कोई यहाँ पे। और यहीं पे मेरे को खड़े होकर वेट करना होगा, थोड़ी देर वेट करते हैं, कोल निकाल के घर चलते हैं सीधे, और अपना जो असेंबली वर्क बेंच है ना वो बनाते हैं बड़ी वाली। ओके गाइस, तो वेट बढ़ चुका है मेरा, और ये एकदम सही टाइम है वेट पर थोड़ा सा वेट इंक्रीज करने का, वेट इंक्रीज हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने बेस में, और अब हम लोग क्लॉथ भी यहाँ पर बन चुका है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड मेरे को कितने चाहिए एक बार देख लो जरा मैं। तो स्पेयर असेंबली लाइन यही है, नहीं ये वो नहीं है, वो कुछ और, हाँ यही है, यही है। ओके सर्किट मेरे को चाहिए 10, तो हम लोग बनाते हैं सर्किट यहाँ से 10। दो ही बना पा रहा हूँ मैं, पॉलीमर ज़्यादा चाहिए होगा ना। पहले पॉलीमर बना लेते हैं, क्लॉथ पॉलीमर। ओके पॉलीमर मेरे को थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, चलो ठीक है। वो हमारा कहाँ चला गया, एनुबिस आ रहा है। ओके तो यहाँ पे कुछ एग रखे थे मैंने, एक एग तो हो रखा है, एक बार देखते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है हमको। इसमें हमको मिला चिलेट, और ये भी 10 सेकंड में होने वाला है, कुछ सेकंड्स के अंदर में। इसमें भी शायद चिलेट ही मिलेगा या फिर कुछ और भी मिल सकता है रैंडम। इसमें भी हमको चिलेट मिला मसल हेड वाला, अरे वाह सही यार, अच्छा है, काम आएगा कभी। फिलहाल ये हमारे बन चुके हैं, और शायद इतना ही चाहिए, अभी कैंसिल कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम बनाते हैं ये 10, 6 बना रहे हो, 6 कित 6 ही बनेंगे। ओके पहले कोई बात नहीं, इतने बना लेते हैं, उसके बाद बाकी बनाएंगे। तो हमको एक पाल मिला था, वो पाल काम आ सकता है अपने, एक बार देख के आता हूँ कि उसकी क्या पैसिव स्किल्स हैं और कैसा है वो। तो हमको मिला था गाइस ये, तो ये है इसके पास, अटैक है, आइसबर्ग है इसके पास, फ्रीजिंग चार्ज है, आइस कटर है इसके पास, और भी कुछ है, एयर कैनन और आइस मिसाइल है। तो 10% इंक्रीज टू अर्थ अटैक डैमेज, इसको भी हम लोग लेके जा सकते हैं अगर हम लोग उससे एनिमस से लड़ने जाएं, क्योंकि वो ग्राउंड टाइप है, लेवल अप करेगा, मतलब थोड़ा हेल्प करेगा हमको, दिखने का बहुत अच्छा है। तो इसको अभी हम लोग अगर अपने बेस पर डालें किसी की जगह, इसकी जगह डालते हैं, तो ये क्या करेगा यहाँ पे? मेरे को देखना कि मैं स्पीड वाला ही लेके गया था ना, ऐसा स्लो क्यों लग रहा था? नहीं नहीं, अभी ऑलरेडी इतना स्पीड से जा रहा हूँ ना, अब वो भी मेरे को स्लो लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो 6 सर्किट बोर्ड बन चुके हैं, बट यार पॉलीमर बहुत खर्च हो रहा है, मुझे तो नहीं लगा था कि इतना पॉलीमर लगेगा। तो आ जाओ, कहाँ गया एनुबिस? हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा, काम चलेगा। अब यहाँ पर देख रहा हूँ खाने के लिए कुछ है क्या, केक वेक ये बना लूँ क्या? 50 ये बना लेता हूँ, खाने के लिए काम आएगा। अब मुझे ये भी टेंशन हो रही कि यार अल्ट्रा स्पेयर बनाने के लिए ना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो अभी हमारे पास है ही नहीं, मतलब ये भी रेयर थी वैसे, हम लोगों ने आज ही कलेक्ट करा। मुझे वही डर रहा है कि अल्ट्रा स्पेयर के लिए दिक्कत ना करे कुछ। तो इसके लिए सर्किट बोर्ड एक और बनाना, नेल और क्या चाहिए, पैलियम फ्रेगमेंट और रिफाइंड इनगेट। ओके एक काम करता हूँ मैं, इससे पहले ना थोड़े ये बनवा लेता हूँ, तब तक मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर मुझे अब रिफाइंड इनगेट बनाने, बस उसके लिए कोल चाहिए ना हमको। रिफाइंड इनगेट मैक्स 25 बन पा रहे, कितने चाहिए लेकिन अपने को? अबे यार ये तो गाइस बहुत मुश्किल काम होने वाला है, कोल और चाहिए अपने को यार।
All right guys, तो फाइनली हमारा जो काम है वो हो चुका है। मेरे को 3 राउंड लगाने पड़े वहां पे, तब जाके हमारे पास इतना सारा सामान आ पाया कि हम लोग इसको बना सकते हैं। अब दिक्कत तो यही है कि ये सब चीजें बनाने के लिए ना जगह कम पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करना पड़ेगा गाइस। अभी कैसे करूं यार, मैं किधर लगाऊं इसको? मैं उधर कहीं पर लगा सकता हूं, है ना, उधर कहीं पर लगाने की कोशिश करता हूं। मुझे उसके बाद ना एक गन भी बनानी ताकि मैं उसको ज़्यादा डैमेज दे पाऊं, क्योंकि मुश्किल तो होगा उससे फाइट करना, तो हमको हर तरफ से कोशिश करनी है। अब इसको लगाने के लिए गाइस देखना पड़ेगा, इसको इधर कहीं पर फिलहाल टेम्परेरी बना रहा हूं, बाद में हम इसको कहीं और बनाएंगे या फिर एक फ्लोर ऊपर करके मैं बनाऊंगा। अभी बस जल्दबाजी का काम हो रहा है। चलो आ जाओ, बनाओ इसको जल्दी से। यहाँ पर कोई ऐसा डिस्टर्ब किसी को होगा नहीं, जब रात को ही लोग सोने के लिए आते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ना कि देखो, एक बॉस है वम्पो बोटान, वो भी ग्रास टाइप है, और आज के लिए वो बहुत काम आ सकता है। अगर आज उसको कैच नहीं करेंगे हम लोग तो फिर किस दिन करेंगे? तो जब तक ये बनेगा हम लोग अपना और काम करके आ जाते हैं। मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ सारा, और अभी हम लोग चल रहे हैं वम्पो बोटान को किल करने के लिए, यानी कि कैप्चर करने जाएंगे हम लोग उसको, कैप्चर करके लेके आएंगे, वो हमारे काम आ सकता है। अब मुझे नहीं पता कि यार कौन सा बॉस काम आएगा, बट इतना तो पता है कि ग्रास टाइप वाला सबसे बेस्ट रहेगा, और ग्रास टाइप ये है, शायद वम्पो बोटान ग्रास टाइप ही है जितना मेरे को याद है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गाइस एक और चीज भी मेरे को ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रास टाइप के अलावा फायर टाइप भी उस पर थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं देगा, फायर टाइप का फायदा यह है कि अगर आग लग गई ना तो आग डैमेज देती है, इसीलिए मैं पॉइजन एरोज लेके जा रहा हूँ, पॉइजन बो क्रॉसबो लेके जा रहा हूँ। कब से मेरे को इसको भी कैच करना ही था। चाहिए, देखो हमको तो चाहिए यार, 38 लेवल का है, अभी हम लोग भी 37 लेवल पर आ चुके हैं। ज़्यादा देर करेंगे तो फिर फाइट लड़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इजीली मर जाएगा। अभी भी इतना मुश्किल होगा नहीं उसको किल करना। मेरे को अगर मैं उसको 20 लेवल 25 लेवल पर मारता तो थोड़ा चैलेंजिंग फाइट होती है, जैसे कि अभी एनुबिस वाली हो गई। एनुबिस वाली तो मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग लेवल 47 में भी किल करते ना तब भी चैलेंजिंग होती, क्योंकि अल्ट्रा सेंसर से उसके पास बहुत जल्दी, वो मतलब जैसे ही मैं गोली मारने लगूंगा भाग जाएगा, और बहुत फास्ट है यार, यही प्रॉब्लम है उसके साथ में। इस साइड को हमको गाइस जाना है, तो पाल सोल भी जितने हैं मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जाने से पहले मेरे को सबसे पहले पाल सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद उन पाल्स को मेरे को उनकी पावर थोड़ी बढ़ानी है। ये भी एरिया वाइज अच्छा है बेस बनाने के लिए, अच्छी लोकेशन लग रही। एक पर्पल चेस्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब मुझे देखना है कि वम्पो बोटान है किधर पर। वम्पो बोटान हमको गाइस इधर पर मिलेगा। तो ये सोच के आ रखा हूँ मैं कि ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं इसको लड़ना। ओके, मेरे को दिख गया गाइस, इसको मारो। हाँ तो लड़ो। ये अवेला है, कुछ नहीं है, फायर डालता तो है, तू फायर वायर डाल यार, उस पर क्यों नहीं डाल रहा है, ब्लेड मार रहा है हम पर। आग लग गई इस पर, डैमेज देखो कितना खतरनाक हो रहा है। अभी अगर हम लोग, मुझे कभी एक बार दोबारा से मेमरेस से फाइट कर दी, मुझे लगता है कि अब मेमरेस 10 मिनट भी हमारे, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेमरेस इसके ऊपर फूल भी लगा हुआ है, एक खूबसूरत भी दिख रहा है, ब्लेड मार रहा है, देख रहे हो कैसे खतरनाक ब्लेड मार रहा है। ये जो ब्लेड आती है ना, इससे बच पाना थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं भेज रहा हूँ गाइस इसको, सुजाकू जाओ, सुजाकू तो मतलब यार सुजाकू खतरनाक ही है, मेरा मन नहीं कर रहा मारने का। तीन इतना कम डैमेज मिल रहा है, 23 का डैमेज मिल रहा है, और सुजाकू का डैमेज देखो वहाँ पे खतरनाक है यार। ये साइज में जो बड़े पाल्स होते हैं ना, इन पर मेरे को ज़्यादा भरोसा नहीं रहता, एक मेमोरेस्ट के अलावा मुझे और किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि ये लोग ना मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो होती है इनकी, उसके चक्कर में क्या होता है कि हम लोग हमेशा फंसते हैं। अबे उधर ध्यान दे, पीछे मेरे पर कहाँ ध्यान लगा रहा है। 6-5 का डैमेज मिल रहा है, आजा सुजाकू इधर से जाओ, और किसको भेजो भाई? ओके एस्ट्रेजन, एस्ट्रेगॉन, पता नहीं क्या नाम है यार इसका, इतने मुश्किल नाम क्यों है इनके। ये तो क्या खतरनाक पावर डालता है, और मार डार्क बॉल, बेहतरीन 149 का डैमेज। यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ गाइस, मेरे को किसको लेके जाना चाहिए? वैसे तो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि वो ग्राउंड टाइप है, ग्रास टाइप उस पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ग्रास टाइप लेके जाना चाहिए, बट ये यार कालिया नाग ये खतरनाक है, इनको लेके जाने का मन करता है, उसको फंसा दिया उसने। यार तू किसी काम का नहीं, तो रहने दे, ये जाएगा तब भी, ये एटलीस्ट बेटर है, इसको भी लेके जाने का मन कर रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ गाइस, इसको लेके जाऊँ मैं, इसकी आंख में गोलियां मारूँ, आंख में? ओ क्या कर रहा है ये सब भी करना है क्या? रात क्यों हो जाती है हर फाइट में? अब उसके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वहां पर ना ठंड वंड लगेगी और गर्म भी होगा, ठंडा गर्म कहीं बुखार ना आ जाए, और ये भी अभी सरदर्द अलग ही है। ओ मेरे को हेल्थ ध्यान देनी है, हर बार ऐसी भूल जाता हूँ, बस एक थोड़ा सा मार दे, दो बार मार उसके, अब इधर आ, मार, तो कर भी पाएगा कुछ हमारे साथ? मेरे को तेरे को लेके जाना है फाइट में, तेरे हाल देख के लग तो नहीं रहा गाइस। अरे इससे कहाँ हो गए, सीधा हाइपर स्पेयर से,
अभी ऐसे हेल्थ बची है काफी। ओ इस बार कैद कर लिया सैम को। ये तो है, आज इसी तरीके से मेरे को ना उसको भी फंसाना है। ठंडा लगने वाला है गाइस, अभी थोड़ी देर में दिक्कत होने वाली है। बस 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 बस, अबे यार। हो गया, अब मुश्किल है बचना। ऑलराइट, तो वंप बोटान हमारे पास आ चुका है गाइस। अभी किस साइड से जाया जाए, मैं किधर से आया था, ये कौन है अभी? अच्छा ये तो वो है ना रूबी। सब लोग सो रखे हैं तो मैं भी चुपचाप जा रहा हूँ, और सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग देखेंगे उतना बड़ा कौन सोया था वहाँ पे। मेरे को लग रहा है मेमोरेस्ट था। मेमोरेस्ट के ना साथ का एक लेके आ चुका हूँ मैं पार्टनर, वंप बोटान। वंप बोटान की पावर्स ज़रा देखें, डैमेज देखें कि कितना है, क्योंकि वो भी 38 लेवल का है, मेमोरेस्ट भी 38 लेवल का है। ये भी ग्रास टाइप है, अभी देखो समझ में नहीं आ रहा, इस पर मेरे को उतना भरोसा नहीं है। वंप बोटान पे थोड़ा है, उसकी जो ब्लेड फेंक के मार रहा है ना वो एयर कैनन, वो बड़ा खतरनाक है। 95 का डैमेज है, अटैक 10% है, डिफेंस में कुछ अच्छी स्किल्स तो नहीं है, बट हाँ इसके पास और कौन कौन सी स्किल है। विंड कटर नहीं, ये सही है, स्पाइन वाइन, ग्रास टोर्नेडो और सीड वाइन। अब जाके अगर हम लोग तो एक एक करके ना अभी हम लोग लेके चलते हैं। अब जाके कन्फ्यूजन हो रही है, इसको तो नहीं लेके जा सकता फेंगलोप को मैं। वंपो बोटान हो गया, ये हो गया दो ग्रास टाइप, और मेमोरेस्ट हो गया हमारा। इसमें भी लिखा हुआ था, कहाँ चला गया वो, ये अगर हम लोग इसकी पैसिव स्किल्स देखें, 10% इंक्रीज टू अर्थ अटैक डैमेज। हाँ अर्थ अटैक तो वही हुआ ना, ग्राउंड अटैक। अर्थ अटैक कौन सा है, ग्राउंड ही तो हुआ यार, एक सेकेंड, अर्थ अटैक हाँ वही तो हुआ गाइस। ओके चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को कि किसको लेके जाऊँ मैं। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर अपनी शॉटगन, आई होप के भी बन जानी चाहिए शॉटगन अपनी। तो ये बन गई अपनी, सॉरी मैक्स क्यों बना रहा हूँ। ओके यहाँ पर कुछ एग्स हैं, उनको एक बार निकाल के देख लेते हैं कि क्या मिलने वाला है। क्या कुछ मिला नहीं क्या मेरे को? अरे ये उस वाले एग में जा रहा है, ये निकालना है मेरे को। हाँ तो वेनवर्म हमको मिला, कुछ खास स्किल्स है नहीं इसकी। और दूसरा कौन सा मिला, कैल्प्सा शॉटगन हम लोगों ने बना ली। अब चलो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग चल रहे हैं पहले फिशर पॉइंट में, फिशरमैन पॉइंट में, और वहां से ना मैं गोलियां खरीद के लेके आता हूँ। गोलियां खरीद लेते हैं, उसके बाद वहां से मेरे को वेनम ग्लैंड लेके आना है दूसरा, एक दूसरी जगह से। जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी बहुत सारे काम करने वहां की। कहां पे वो इधर है ना, ये देगा ना बुलेट्स हमको। हाँ तो कितनी खरीदी जाएगा इस राइफल एमओ में, बाय कर रहा हूँ यहाँ से 20, और उसके बाद हैंडगन एमओ बाय कर रहा हूँ मैं यहाँ से 5। अभी बाय करके देख रहा हूँ, मेरे को देखना हैंडगन एमओ। ओके हैंडगन एमओ सही है। चलो अब सारी जितना पैसा है अपने पास सारा गोल्ड खर्च करके यहाँ से गोलियां बाय कर रहा हूँ, सारा खत्म, और गोलियां खरीद लिए। 102 बचे थे, उससे कुछ आएगा नहीं, तो इतनी गोलियां वोलियां सब सही है। अपने तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, एंड में मर गया तो मुझे माफ कर देना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से। इसको लेके जाके फायदा है क्या गाइस? 150 का डैमेज है इसका, ड्रैगन टाइप है ना, काम आ सकता है यार, जरूरी नहीं है कि ग्रास टाइप ही काम आए वहाँ पे। इसका डैमेज 180 का है यार इसके पास। तो गाइस इसको लेके जाऊँ, इसको लेके जाऊँ, अब मैं इसको कुछ सिखा सकता हूँ। एक सेकंड, आज बारी आती है मेरे पास ना कुछ खतरनाक वाले स्किल फ्रूट्स हैं, उनको मैं देख रहा हूँ एक बार कि क्या उसको मैं लेके जा सकता हूँ गाइस। ग्रास स्किल ये खिला, ये मैं मेमोरेस्ट को दे रहा हूँ। मेमोरेस्ट पे मेरे को ज्यादा भरोसा, उसकी एचपी भी थोड़ी ज्यादा है ना गाइस। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसको मैं दे रहा हूँ मेमोरेस्ट को, और मेमोरेस्ट को मैं देने के बाद अभी चलते हैं पार्टी में और मेमोरेस्ट। तो ये ग्राउंड, ये डार्क वाला, ये किसी काम का नहीं, इसकी जगह हम लोग दे रहे हैं इसको सोलर ब्लास्ट। बल्कि मैं सोच रहा हूँ ना, अच्छा अर्थ इम्पैक्ट सोलर ब्लास्ट, ठीक है अर्थ इम्पैक्ट भी 100 का डैमेज है, उतना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो भी 80-70। और ये अब सुजाकू, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ मैं कि सुजाकू लेके जाऊँ या फिर मैं उसको लेके जाऊँ। यार सुजाकू मुझे लग नहीं रहा कि गाइस कुछ कर पाएगा ज्यादा, तो सुजाकू की जगह सोच रहा हूँ यही लेके जाऊँ मैं सारे ग्रास टाइप, और एक इस पर मैं बैट लगा रहा हूँ। लाइलिन भी खतरनाक है गाइस, ये मैं समझ रहा हूँ। लाइलिन देखो, लाइलिन के पावर्स देखो आप, पहले ये देखो विंड कटर, इसके बाद एक्वाबस की जगह अगर हम लोग और कोई कर ले, चलो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है इनको और ज्यादा पावरफुल बनाने की, और वो हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो मेरे को रिपेयर कर, मैंने वेनम ग्लैंड बाय करा क्या वहां से? अबे यार वेनम ग्लैंड बाय करके नहीं लाया मैं, जल्दी से लेके आ रहा हूं गाइस। तो गाइस मैं यहां पे किसी काम से आया था, एक्चुअली मेरे को कुछ चीजें चाहिए थी, लेकिन गलती ये हो गई कि मेरे से गोली चल गई, मेरे हाथ में गन थी, मेरे से गोली चल गई। मेरे को कुछ चीजें बनानी थी, मेरे को गेल क्लॉक का पंजा बनाना था, मैं वो देख रहा हूं कि कैसे बनेगा। अभी हमको उसके लिए 20 लेदर और 20 क्लॉथ चाहिए। अब लेकिन अभी फिलहाल यहां पे जो चल रहा है ना वो बहुत बेकार चल रहा है, मैं इसको भेजने वाला हूँ। मैं चुपचाप घर निकल लिया, मैंने कहा बेस में चलो वो बचा लेंगे मेरे को मेरे पाल्स। ऑलराइट गाइस, तो अभी सब कुछ यहाँ पर सही हो चुका है, हमारे पाल्स ने मार दिया था, मेरे को रिटर्न टू टाइटल करना पड़ा, जिसकी वजह से वो लोग अभी यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब मैं एक बार दोबारा ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पर जाने की। मेरे को यार लेदर लेना था, मुझे क्या क्या चाहिए उसको बनाने के लिए? लेदर चाहिए, और लेदर के अलावा हमको चाहिए क्लॉथ। क्लॉथ तो यहाँ पर बन रहे हैं, कोई बना देगा अभी। सब लोग
रेस्ट कर रहे हैं। इस पर चल गई गोली मुझसे, मैं इससे कुछ चीजें लेने के आया था यहाँ पे। बट अभी हम लोग एक काम करते हैं, वापस से बाय करते हैं। बेसिकली मेरे को लेदर बाय करना है गाइस, तो मेरे को लेदर चाहिए 20। अभी मैं 20 लेके जा पाऊंगा यहाँ से या नहीं, 20। रात भी होने वाली, कल सुबह से हम लोग फाइट करना स्टार्ट करेंगे। मैं ना अभी भूल गया था, अभी जब मैंने फाइट में लड़ते हुए देखा, जब हमारे बेस में ये लोग लड़ने के लिए आए थे, वॉर सेक्ट को कैसे भूल सकता हूँ। मैंने सारे पाल रख लिए लेकिन वॉर सेक्ट भूल गया, तो वॉर सेक्ट को मेरे को रिप्लेस करना होगा किसी और से। अब किसकी जगह मैं वॉर सेक्ट को रखूँ, मैं ये डाउट में हूँ। मुझे लग रहा है शायद मोसांडा की जगह वॉर सेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं ये अभी इसको लेके जा रहा हूँ। वॉर सेक्ट को यार इंजरी हुई है क्या, ठीक हो जाएगा वैसे, मैं इसको मेडिसिन दे सकता हूँ। बट इसके पास यार ये तो सारे विंड कटर है, इसके पास सीड मशीन गन, विंड कटर, यार कुछ है नहीं इसके पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइज, ये है तो अच्छा बट इसके पास ज़्यादा बेटर पावर्स हैं। चलो लेके चलते हैं, ट्राई करेंगे जो भी होगा। अभी फिलहाल मैं सो रहा हूँ, मैं एक बार देख लूँ, इसको बना दिया ना फटाफट से हम लोग ना गेल क्लॉक बना लेते हैं ये चीज़। चलो ये बना लेगा, मैं सो रहा हूँ, कल सुबह हम लोग जाएंगे और ये लोग भी सब तब तक फिट हो जाएंगे पहले की तरह और काम करने में लग जाएंगे। इसको लेके जाने का मन भी कर रहा है बट नहीं, अब मेरे को गेल क्लॉ भी तो निकालना पड़ेगा यार। प्रॉब्लम ऐसी हो रही ना, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पाल लेके जाया जाए, कौन सा ना लेके जाऊँ। बाई लेवल में गेल क्लॉ देखना मेरे को, गेल क्लॉ, हाँ ये सही रहेगा गैस। ओके तो ये तो अपने को लेके जाना ही पड़ेगा गैस, इसको लेके जा रहा हूँ मैं। वॉर सेक्ट को नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, इसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर्स है ना। सीड मशीन गन, ओके सीड मशीन गन डाल रहा हूँ। ऑलराइट ये सही काम है, मेरे को लग रहा है कि इससे हमारी बहुत हेल्प होने वाली है। इसको मैंने रिपेयर कर लिया और जो कुछ फालतू का सामान है वो हटा लेता हूँ ताकि मेरे को वहाँ पे फाइट करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उधर बॉक्स में रख के आ रहा हूँ फटाफट से। मेरे पास इतने गोल्ड कॉइन कहाँ से आए, इन लोगों को मार के आए। इससे हम लोग बहुत कुछ ले सकते हैं गाइस। मैं यहाँ से कुछ ना एक्स्ट्रा गोलियां लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं कि गोलियां कम पड़े, ठीक है। बस ध्यान से इसको गोली लग जाए। बाय करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो राइफल की एमओ बाय करते हैं। कितनी बाय करें, 70 बाय कर लेता हूँ। हैंडगन की एमओ बाय करते हैं हम लोग, इसकी भी थोड़ी बहुत बाय कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं उस लोकेशन पे, दूर है इसीलिए देखो, अगर कुछ भी हो जाता है इन केस तो हमको इतना दूर आना पड़ेगा और बहुत प्रॉब्लम है यार। मैं क्या करने वाला हूँ ना, पाल बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे, उसमें कुछ पाल मैं और रख दूंगा जिन पर मेरे को डाउट है कि इनको रखना चाहिए बीच फाइट में, ताकि मैं फट से ना उनको रिप्लेस कर सकूँ। मुझे लगता है कि अगर इतना टाइम मिलेगा, वो देगा हमको इतना टाइम, तो ये हम लोग इसको कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर पाएंगे। अभी उसका कहाँ पे, ओके शिट बच गया, मेरी हेल्थ गई। बाप रे यार ये क्या करा मैंने। हेल्थ रिकवर करने में लगेगा टाइम थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। ट्विलाइट ड्यून्स, ओके मेरे को लग रहा है इसका कूल डाउन पीरियड भी कम है थोड़ा सा यार। यहाँ पर ना यही तो दिक्कत है, ये सारे लोग भी तो रहते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको इधर पर बना दूँ गाइस, इसको फटाफट से बनाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं पाल वाल सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से फटाफट से, ठीक है जल्दी से हम लोग करते हैं। ऑलराइट तो मैंने यहाँ पर रख लिए। ओके यार प्रॉब्लम ये भी तो, ये बेस में आ जाएंगे गाइस यहाँ पे, ये भी तो प्रॉब्लम है, ये बेस में आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको ना पीछे डाल रहा हूँ एकदम एंड में, 1 2 3 4 फट से निकालने के लिए इजी रहेगा ना उस टाइम पे। तो गाइस हम लोग जाने को तैयार हैं अभी। अबे यार तू क्यों आ जाता है वहाँ पर, देखो कितने कितने टोको टोको हैं यार, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे गाइस। मेरे को थोड़ा ना रिकवर करना पड़ेगा अपनी हेल्थ को यार, मेरे को पहले इससे निपटना पड़ेगा क्या। ओके कोई बात नहीं, इससे निपटना पड़ेगा मेरे को पहले। रुक जाओ, पंपू बटन जाओ, इससे फाइट करके आओ। ये सब यहाँ पर ना डेंजरस है, इसीलिए ये बहुत सारे और भी लोग हैं जो फाइट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमको। अबे ये तो ऐसे ही मर गया। स्टार्ट कर देगा इस, मैं थोड़ा ना खाना वाना खा लूँ यार, मेरी हेल्थ बहुत कम है। ओके गाइस तो अभी हम लोग रेडी हैं यहाँ पे, और मुझे ना पहले तो वो देखना है, पॉइजन एरो मारने वाला हूँ मैं उसको। अबे यहाँ पे इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, बहुत सारे लोग हैं गाइस यहाँ पे, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे बचने की, उस पर नजरें रहनी चाहिए मेरी, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये जाओ, मैं इसको भी लेकर आ रखा हूँ, इस पर मेरे को भरोसा है कि कुछ करेगा ये है खतरनाक, इसका अटैक ज्यादा है ना, बाकी 50-60 वाला अटैक लाने से बेटर था कि मैं इसको लेके आऊं। ओह फिर भी इसने मार दिया मेरे को यार, बहुत तेज है गाइस ये। कितना डैमेज दे रहा है उसको, दे पा रहा है ज्यादा डैमेज, मुझे लग रहा है कि शायद वंप बोटन। मैं ना गलत जगह पहुंचा गाइस, बहुत गलत जगह पहुंचा मैं, मेरे को थोड़ा इस साइड को आना चाहिए। ओके अबे बीच में तुम लोग कहां से आ गए, अबे यार ये कहां से आ रहे हैं बीच में टोको टोको। मेमोरेस्ट
मेमरस हैं? इतनी जल्दी मेमरस को मार दिया इसने गाइस। यार ये तो बहुत तेज है फिर तो मेमरस को। तो मेरे को लगा था कि मेमरस की हेल्थ काफी ज्यादा है, मेमरस मारेगा उसको, लेकिन इसने मेमरस को एक सेकंड के अंदर में मार दिया। अबे यार ये तो गलत ही गाइस, ये तो बहुत गलत है। ये जो इसका डैमेज है ना, ये खतरनाक, ये लात वात भी मारता है, ये बहुत तेज है गाइस। ये हेल्प तो कर रहा है गाइस गेल क्लॉ का मेरे को पंजा। मैं शॉटगन निकालूं क्या? बुला रहा है मेरे को मेरे को बुला रहा है अपनी तरफ को। लाइलिन मारो यार उसको, इतना स्लो क्यों हो तुम लोग, मारो उसको जल्दी जल्दी। लाइलिन की हेल्थ गई, लाइलिन गई काम से। अब मेरे पास तो है ही नहीं गाइस कोई ज्यादा। मैंने कुछ, मैं चेंज करने वाला हूँ मेमोरिस को, मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं सुजा को लेके आ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि सुजा को हेल्प कर सकता है या फिर कोई और पाल। मैं फटाफट से चेंज कर रहा हूँ मेमोरिस को, तो मेरे को डालना ही है गाइस वहाँ पे। मेरे पीछे आ रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग, यार मेरे को मेमोरिस पे बहुत भरोसा था, मुझे लगा था कि सबसे बेटर मेमोरिस करेगा काम, लेकिन मेमोरिस को तो एक सेकंड में उसने ख़त्म कर दिया। किसको लेके जाया जाए? वॉर्सेक्ट को लेके जा रहा हूँ गाइस। इस बार मैं वॉर्सेक्ट को डाल रहा हूँ। मैं वॉर्सेक्ट की पावर देखनी मेरे को। वॉर्सेक्ट बहुत खतरनाक है, बट मैंने गलती कर दी यार। मेरे को ना वॉर्सेक्ट को देनी चाहिए थी वो पावर जो मैंने मेमोरिस को दी, और वॉर्सेक्ट को तो मैंने हेल्थ वेल्थ नहीं बढ़ा रखी मैंने इसकी। गाइस यार ये तो दिक्कत ही करी मैंने। कहाँ फंस रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है यार, इससे समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको रीड करूँ क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है ये। चार्ज कर रहा है गाइस, मेरे को लग रहा है मैं रुकूंगा ना, ये मारेगा पक्का। मैं भागूं कहाँ भागूं, लेकिन इससे हेल्थ कम तो हो रही उसके, लेकिन इतनी देर तक मारना उसको ना थोड़ा मुश्किल तो है यार। ये बहुत है खतरनाक। जा रही यार, कम ही हो रही, ज़्यादा नहीं हो पा रहा। अबे हटो यहाँ से हटो, मेरे को उसी को देखे रहना होगा। वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है और क्यों कर रहा है वो ऐसा। बेहतरीन, ये सही है, ये वाइन वाला ना बहुत सही है, उसको डैमेज बेहतरीन। और दो, ये बार बार मुझे लगता है यही देना चाहिए, इससे मरेगा ये। अबे यार ये खतरनाक है गाइस, ये पत्थर जब पड़ रहे हैं ना तो इंसान मुझे लग रहा है कि घर जाएगा एक काम। मेरे को समझ में नहीं आया मेमोरिस को कैसे मार दिया। मेमोरिस बहुत बड़ा है ना गाइस, यार दिक्कत ये है मेमोरिस है बहुत जायंट, तो उस वजह से मेमोरिस बच नहीं पाता। कहीं भी आँख बंद करके भी मारो ना तो मेमोरिस को लगी जाती है। अबे तुम लोग मेरी तरफ आ जाओ यार, अबे यार ये लोग बीच में जो आते हैं ना गाइस, ये देखो ये कौन कौन से लोग आ रहे हैं। इधर भाग रहा हूँ मैं थोड़ा दूर भाग रहा हूँ। अभी तक वॉर्स एक्ट अच्छा कर रहा है, वो डार्क वाला भी सही कर रहा है, बट फायर डालने वाला है, डाल। अबे यार ये गलत जगह है, वो खुले मैदान में ज़्यादा बेटर हो रहा है गाइस। खुले मैदान में चलते हैं वापस से हम लोग, क्योंकि वहाँ पे ना पेड़ों के बीच में मैं फंसूंगा और मेरे को मार डालेगा ऐसे में। अब दिक्कत यहाँ पर ये सब लोगों की है। कहाँ गया? फंस गया मुझे लग रहा है गाइस। नहीं फंसेगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं फंसने वाला। अबे ये मेरे पीछे आएगा ये मेरे पीछे आएगा पक्की बात है। वॉर सेक्ट भी गया। अबे लो गाइस ये क्या है, वॉर सेक्ट भी चला गया। ओके इसको भेजू मैं, मम्बो जाओ। ये बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसको लग रहा है कि मेरी गोली से बच जाएगा, लेकिन नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं देख के मार रहा हूँ तेरे को इतना आसान नहीं होगा हमको मारना भी। पांच पांच विदर को एक साथ किल करता हूँ मैं माइनक्राफ्ट में।
शायद देखा नहीं इसने मेरे को, लग रहा है गाइस हैं, इसने मेरे को देखा नहीं लग रहा है। अच्छा बच जाएगा, वीदर तेरे से ज्यादा तेज है। ये कौन पड़ा हुआ अपना, ये कौन है? अच्छा यार ये ओके 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 ओके, मेरा आर्मर डैमेज है गाइस, बट कोई बात नहीं, हेल्थ थोड़ी रिकवर करूं। क्या खाऊं मैं, पैनकेक? यार मम्मो बोटन भी गए गाइस, यार अब तो गलती हो रहा है गाइस, किसको भेजूं मैं? सारे गए अपने काम से। शिट इसकी हेल्थ ये नहीं बच रहा, ये एक बार फंसा देना इसको यार। अब बचो यहाँ से, बचो गाइस। यार ये ना यहीं पर आ गया गाइस, मैं ना फटाफट से अपने पाल्स को रिकवर करा दूं। ओके नए पाल्स आ चुके हैं हमारे पास, जो कि चालाकी से मारेंगे हम लोग इसको, ऐसे नहीं। आजा, हाथ थक गया मेरा यार, बहुत ही हीरो बन रहा है बहुत ज़्यादा। इसको ऑलरेडी मैंने नौकर बना रखा है, इसके भाई को, इसको भी बनाएंगे हम लोग। ओके ओ शिट, इसको ध्यान देना, गलती नहीं करनी मेरे को। ये क्या हो रहा है? शिट, वो बेचारा वॉन्डरिंग मर्चेंट मारा गया। बच रहा है, बहुत बच रहा है यार, बहुत हीरो समझ रहा है खुद को गाइस, बहुत ही ज्यादा हीरो समझ रहा है खुद को। आ जा, 28 का डैमेज मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं गाइस धीरे धीरे इसको मारने की। ओह शिट, बच गया, किक पड़ी थी अभी मेरे मुंह पे इसकी। बचो यहां से, मेरा आर्मर डैमेज हो रखा है यार। ये जगह सेफ सी क्यों नहीं लग रही मेरे को? यार लाइलिन उसको फंसा लेना, फंसा दे एक बार, उसको फंस जाएगा। मैं थोड़े पाल रिप्लेस करता हूँ अपने वापस से। मेरे को खाना वाना भी खाना है यार। लाइलिन वाइन वाले क्यों नहीं कर रही, उसको मार, फंसा दे उसको। बचाओ लाइलिन को, बचाओ लाइलिन, छोटी सी है लेकिन लाइलिन ने अभी तक बच रखी हो। बच वही है ना कि बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लड़ने से कुछ नहीं होता यार, बचना भी तो आना चाहिए, जो कि मेरे मेमोराइज को नहीं आता अभी उतना यार बेचारा। गाइस 840, गाइस 8 7 7 8 6 7 8 6, मैंने इसको पॉइजन वाला मारा नहीं, मैं इसको सिर्फ इसी से मार रहा हूँ। देखो किसका ज्यादा पावरफुल है, देखो। हाँ बेहतरीन। बचाओ लाइलिन को, बचाओ, अभी मर गई थी लाइलिन। ओ शिट, पांच सौ 18, ध्यान देना एचपी पे। टाइम आ चुका है, वैसे हम लोग इसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन सा, एक सेकंड गाइस, मेरा हाइप स्पेयर्स क्यों नहीं दिखा रहा है मेरे को लग रहा है, मेरे को यार अंधेरा हो गया, मेरे को लग रहा है कि मेरे को इस साइड लाना पड़ेगा। मेरे स्पेयर्स दिखा क्यों नहीं रहा हैं, स्पेयर्स मेरे ग्रेड आउट क्यों दिखा रहा है स्पेयर्स? यार ये कुछ ग्लिच ना होगा इस, नहीं, ओके, अब सही है, कुछ गड़बड़ हो गई थी यार मुझे समझ, रात हो गई गाइस, मेरे को लग रहा है कि ठंड भी लगने वाली है हमको। बस एक बार और, लाइलिन को बचाओ, अभी गई थी लाइलिन, यार लाइलिन को मैंने इतना बचाया ना आज, लाइलिन पे मेरे को आज के बाद से ना लाइलिन हर जगह जाएगी मेरे साथ। इतना आसान है क्या मारना, क्या समझ रखा है तूने?
किक मार रहा है खतरनाक वाली। पहला नहीं, मुझे लगता है कि अभी एक मार रहा हूँ नीचे। अब दोबारा अब ट्राई कर रहे हैं गाइस। 200 HP है वैसे, थोड़ा मुश्किल तो होगा। मैं नाइन % कैप्चर रेट। अबे यार जल्दी रिलोड क्यों नहीं हो रहा है? बच्चा 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 बच्चा, अब नहीं मार सकता गाइस, इससे ज्यादा नहीं मार सकता। 137 है वैसे, अभी भी मैं कर सकता हूँ। अबे यार रिलोड क्यों नहीं कर रही मैंने टाइम पे इसको। रिलोड हो जा जल्दी। शिट यार, हो जा। रात हो रही, मेरे को ठंड भी लग सकती है। टेम्परेचर वैसे तो यहाँ पर गर्म है, तो टेम्परेचर अभी तो नहीं बढ़ रखा है, लेकिन होगा तो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टेम्परेचर सेट करता रहूँ अपने वहाँ पर, मतलब मैं कपड़े चेंज करूँ। गैस कहाँ चला गया? ये गंदा पड़ा। शिट। दस % हो जा यार। 30 शिट, मेरे पास कितने? 11 बचे हैं। 11 में नहीं हो पाएगा तो फिर मैं, मेरे को नहीं लगता हाइपर से हो पाएगा। शिट। ओ शिट, अबे यार कितना गलत टाइम पर मैं मरा हूँ गाइस, बहुत ही गलत टाइम पर मरा हूँ मैं, बहुत गलत। ठंड भी लगने लग गई थी मेरे को, और मुश्किल हो गया था अभी, बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं वापस वहीं पर जाऊँ? यार मेरे को लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा गाइस। मेरा कहाँ पे है? शिट। ओ शिट, ठंड लग रही बहुत ज़्यादा लग रही, और मेरे को मार देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसको भेज रहा हूँ यार, इसको भेजूंगा तो ये उसको मार देगा ना। वो उसकी हेल्थ रिकवर हो रही है। शिट, ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस। हीट रेसिस्टेंट कोल्ड, अबे यार कोल्ड रेसिस्टेंट आर्मर कहाँ है मेरे पास? यार एंड में ये सब चीज़ें होती ना, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। हम लोगों ने अभी तक नहीं मरे, हम लोग अब एंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं। शिट यार, यही होता है, एक बार अगर मर गए ना तो बहुत दिक्कत होती है। मेरा हीट रेसिस्टेंट वाला कोल्ड रेसिस्टेंट आर्मर चाहिए मुझे यार, मेरे को दोनों पहनने चाहिए थे। यहाँ पर उतने ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है गाइस, मेरे को दोनों पहन के रखने चाहिए थे। शिट। अबे रुक जा, एक जगह रुक जा। कहाँ? अबे यार मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्या करूँ? दोबारा से फाइट लड़ूँ क्या मैं इससे दोबारा से? क्योंकि इतना मुश्किल तो नहीं लगा था मेरे को इससे फाइट लड़ना, बट अब ये वाला मुश्किल लग रहा है मुझे ये काम करना। अगर मैं घर सो के आता हूँ तो पक्की बात है गाइस कि ये रीजन कर लेगा। ये ऑलरेडी अभी अगर इसकी हेल्थ वापस आ गई होगी ना तो फिर मैं सो जाऊँगा यार। ये गलत हो रहा है अभी, बहुत गलत टाइम हो रहा है। सो रखा है गाइस, वो सो रखा है। ये कौन है? अबे नहीं, अबे हट, तू बीच में मत आ यार, बीच में मत आ। शिट, इस ये लो, पहले इसको मारता हूँ उसके बाद मैं उसको मारूंगा, वो सो रखा है अभी। चलो गाइस वापस से टाइम आ चुका है, एंड में आके उसने जो गलत करा ना हमारे साथ। यार इसकी तो HP बहुत आ गई वापस। अरे यार ये गलती करा कि हमने फाइट करके, अभी कोई बात नहीं चलेगा। लाइलिन गई कम से? शिट, मैंने ध्यान नहीं, मैं उसको बचा नहीं पाया लाइलिन को, और वो जो अटैक था उसका एक बार में उसने खत्म कर दिया। मुझे लग रहा है मेमोरेस पे भी इसने यही करा था, इसने मेमोरेस को भी ना यही करा गाइस। थ्री फोर्टी वन। ओके 255 कहाँ चला गया? बस। यार हो जा, मैं और कुछ नहीं चाहता गलत हो यहाँ पे। उसने कुछ जाल बिछाए थे मेरे लिए, मैं बच गया, लेकिन रिकॉर्ड तो हो रहा ना यार। हो जा गाइस, ये होगा क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि मेरे को रिंग ऑफ मर्सी पहननी चाहिए क्या? मैं थोड़ा दूर भाग रहा हूँ पहले उससे। नहीं, 5 बज गई, अब तो रिंग ऑफ मर्सी पहनने की जरूरत है ही नहीं गाइस, अब तो बस कैप्चर करना है उसको। रिंग ऑफ मर्सी की जरूरत है ही नहीं अभी। ये क्या ग्लिच हो रहा है गेम में? यहाँ पर ये रेड सा बना हुआ, हट ही नहीं रहा यहाँ से। ये उधर पे है ना,
यार हो जा ज़्यादा नहीं है मेरे पास, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। शिट गाइस मैं ज़्यादा नहीं कर सकता यार, 5 बच रहे हैं बस 5 बच रहे हैं। क्या लगता है गाइस हो पाएगा हैं? ओ नहीं, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, हो गया। मेरे पास सिर्फ 2 अल्ट्रा स्पेयर और बचे हुए थे, मुझे उम्मीदें बहुत कम लग रही थी। ये देखो ग्लिच, देखो गेम का, अबे यार हम लोगों ने कैप्चर कर लिया एनिमीज को। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कर पाएंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से फाइट करी, ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा चालाकी करी, मतलब हम लोग देखो स्मार्ट वर्क करा हम लोगों ने। देखो मेरे को लगा था कि मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है सारे पाल्स को निकालने की, बट नहीं, हम लोगों ने बिना उसके फाइट लड़ी और बेचारा मेमोरेज तो अपना गया काम से। लेकिन लाइलिन के लिए तो 1 लाइक बनता है गाइस, क्या जबरदस्त फाइट लड़ी इसने, क्या जबरदस्त। एंड में मेरी गलती से मरी, मैं उसको बचा नहीं पाया, क्योंकि जो उसका वो वाला अटैक था ना गाइस वो बहुत खतरनाक था। तो अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए ना अभी एक चाहिए अपने को, या फिर निकाल दें यहाँ से, निकाल ही दे दें। छोड़ो मैं निकाल रहा हूँ यार, मतलब क्या तगड़ा हो गया था। एंड में आके जब मैं कैप्चर कर रहा था ना, उस टाइम पर मैं क्या देख रहा था अपना, हाँ गलत ही कुछ हो गया उस टाइम पर, अनफॉर्चुनेट था। ऐसा होता नहीं, हम लोग उसको बिना मरे मार डालते, लेकिन जो भी है हम लोगों ने, मुझे तो लग रहा था कि कहीं दोबारा मुझे रिसेट ना करनी पड़ जाए, यानी कि रिसेट का मतलब है कि मेरे को घर सोने के लिए जाना पड़े और हेल्थ उसकी रिसेट हो जाएगी और दोबारा। यहाँ पर ये देखो ये 2 वैसे के वैसे ही है, मैं हेल्थ बीच में जाऊँगा मरूंगा तो नहीं। और बीच में ये भी आ गया हमसे पंगे लेने के लिए रात में, एक तो कोल्ड हो रहा है, मेरे को आर्मर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या करूँ, मेरे को पूरा देख ये क्या चल रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये देखो मैस ने, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आर्मर क्या पहनना है, मुझे क्या करना है। लेकिन और मैंने ये भी नहीं पहना था, लेकिन हम लोगों ने ना जैसा तैसे उसको मार डाला यार, मतलब इससे बेटर फीलिंग और हो नहीं सकती। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग एनिमीज को मार पाएंगे, और उस पर अगर नज़रें रखे रहो ना तो मेरे को क्लियर समझ में आ रहा था कि वो क्या करने वाला, और बचने का टाइम मिल रहा था। उसका जो पत्थर वाला था वो मेरे पास 1 बार भी नहीं पड़ा, अगर वो मेरे पर पड़ जाता तो 1 बार में मैं भी ख़त्म था गया। सल्फर दिख रहा है यहाँ पर अपने को। ओके गाइस तो हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पर। सबसे पहले आप ये देखो कितना सही लग रहा है, हम लोगों ने इसको डिफीट कर लिया 47 लेवल का। ये सबसे खतरनाक पाल अभी तक मैंने कैप्चर करा है, कोई भी इससे खतरनाक अभी तक नहीं करा था। सुजाकू किया था हमने बहुत 45 वाला, उसके बाद हम लोगों ने करा था, कहाँ चला गया वो, हाँ हम लोगों ने जॉर्मेंटाइट किया था। अब देखो सबसे खतरनाक ये है हमारे पास, 10 लेवल अपने से ऊपर वाला और इतना क्विक, जो कि आप लोग मेरे को रिकमेंड नहीं कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि मत करना उसको, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। इसकी पावर देखो एक बार गाइस, यहाँ आके तो खैर इसको मेरे काम ही करने पड़ेंगे। देख इसके पास ना एक फायदा ये है, अर्थ एम्परर, ये है इसके पास पावर, 20% इंक्रीज टू अर्थ अटैक डैमेज, पावर ऑफ गाया 10% इंक्रीज, मतलब टोटल मिला के 30% अर्थ डैमेज देगा इंक्रीज, बहुत खतरनाक। लेवल 4 का हैंडीवर्क, और वो तो खैर बाकी सेम ही है, मतलब उसको निकाल लो वो वाला एनुबिस और ये वाला एनुबिस सही है। अब मैं इनको ना ब्रीड कराऊंगा, मैं अब क्योंकि मैंने कैप्चर तो कर लिया, अब मैं एक खतरनाक एनुबिस बनाऊंगा जिसके पास कौन कौन सी पावर होती है कुछ खतरनाक वाली, वैन मसल हेड हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सब सारी जिससे कि और ज़्यादा ओपी बन जाए, वो मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। बाकी हमारे जो पाल्स हैं यार, इसने भी अच्छा खासा करा था वैसे, और मुझे तो मतलब जो जिस पर सबसे कम भरोसा था ना लाइलिन, उसने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, क्योंकि उसके पास पावर थी, खतरनाक वाली पावर थी। बाकी औरों को भी बचाने में, औरों को लेना बचना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि साइज में बड़े थे, जैसे कि मम्बो बोटान हो गया और मोसांडा हो गया, मेमोरेस हो गया, इनके लिए बचना मुश्किल हो रहा था। वॉर सेक्टर भी थोड़ा स्लो है, बहुत धीरे धीरे जाता है, लाइलिन बहुत क्विक थी, तो लाइलिन को अगर हम लोग और पैसिव स्किल्स दे दें तो और ज़्यादा खतरनाक बन जाएगी। फिलहाल इसी के साथ गाइज आज का एपिसोड हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी लोग के वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए